बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सेवन्थ क्लास का चैप्टर नंबर हम फाइव स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर फाइव हमारे पास है द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर लेक्चर नंबर वन में फर्स्ट हमारे पास द स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, यानी कि जब हम किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमारे पास कोई भी नंबर है उसको हम उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या है उसका स्क्वायर। ये इसका है सिंपली डिफाइन। अब इसी डिफाइन को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहली एग्जाम्पल हमारे पास है, जनरल मैन एग्जाम्पल ही है। अब पहली एग्जाम्पल में हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, डेफिनेशन हमारे पास क्या थी? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, यानी कि अगर हम एक नंबर को उसके साथ ही मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या कहलाता है? इस बार एक्स स्क्वायर। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। क्योंकि हमारे पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो उसकी पावर में वन है, वन एंड वन हमारे पास क्या आएगा? टू। ये सिंपली मैंने जब बात कर ली क्योंकि हम पहले सिक्स क्लास में ये चीज पढ़ चुके हैं। दूसरी एग्जाम्पल पे आ रही है, थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री पावर टू एंड इज इक्वल टू नाइन, यानी कि थ्री का स्क्वायर हमारे पास क्या आया? नाइन। यानी कि सिंपली अगर जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास उसको हम उसी नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर है क्या? पहले हमने बात की स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर कहता है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ले रहे हैं, जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर ले चुके होंगे तो फिर हमने ये देखना है कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर लिया है क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब इसके लिए एक कंडीशन का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर तो हम डेसिमल का भी लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में जो मेन चीज है वो हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर। अब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। कंडीशन की क्या है? इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर, यानी कि हमने स्क्वायर ले लिया, हमारे पास आंसर आया है। अब हमने ये बताना है कि ये जो आंसर है, जो ये स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसकी सिंपल एग्जांपल लेते हैं, वेरी सिंपल शॉर्ट फॉर्म एग्जांपल ली है, 1 की पावर 2। 1 की पावर 2 हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि स्क्वायर कैसे लेते हैं। स्क्वायर हमारे पास क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ। 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हमारे पास 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किस नंबर का स्क्वायर है? नेचुरल नंबर। 3 इज अ नेचुरल नंबर। 1 हमारे पास जो है ये भी एक स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? ये 1 का ही है, तो 1 भी ऑलरेडी क्या है? हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर हमने ये बात याद रखनी है कि हम जो भी स्क्वायर लेंगे वो हमारे पास किस नंबर का होना चाहिए? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास इन डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हुए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में 6 का स्क्वायर फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 6 का हमने स्क्वायर फाइंड करना है। द स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने स्क्वायर फाइंड करना है। डेफिनेशन क्या थी? द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया। तो ये 6 की पावर हमारे पास क्या रहेगी? 2। 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ये था स्क्वायर के लिहाज से। अब है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास उसने कहा है कि टेस्ट करने आपने टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्फीयर और नॉट, कि हमारे पास ये डिफरेंट नंबर जो हमारे पास गिवन है ये परफेक्ट स्फीयर है या नहीं, इसमें हमने टेस्ट करना है कि हमारे पास ये नंबर्स परफेक्ट स्फीयर है या नहीं। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट जो हमें बुक में गिवन है वो है 59। अब 59 को सॉल्व करते हैं, 59 का हमने देखना है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। पहले इसको फैक्टराइज करके देखते हैं, 59 को अगर हम 2 से करें 2 से भी नहीं होगा, 3 से करते हैं 3 से भी नहीं होगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये हमारे पास 59 इज अ प्राइम नंबर। अब इसकी तो फैक्टराइजेशन तो सिंपल 59 ही होगी, क्योंकि उसकी वजह क्या है, 59 इज अ प्राइम नंबर। 6th क्लास में हम प्राइम नंबर की बच्चों डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, द नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइड विद एनी नंबर विद इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। तो 59 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो सो हियर द ईच फैक्टर ऑफ 59 नॉट फ्रॉम पेयर, क्योंकि हमारे पास 59 ही एक नंबर है, इसके अलावा कोई इसका फैक्टर बनता ही नहीं है। सो हमारे पास 59 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 59 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसी तरह से दूसरा पार्ट करते हैं ताकि ये क्वेश्चन आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सेकंड पार्ट है हमारे पास 625, पार्ट नंबर 2 625 को सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि जब हमने परफेक्ट स्क्वायर का टेस्ट करना होता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब फैक्टर्स बनाने के लिए 625 को पहले फैक्टराइज करेंगे, 5 1 कैरी ये 12 बन जाएगा, 5 2 10, फिर अगेन 2 कैरी इधर 25 एंड 5 5 25 ये 125 बन जाएगा। अगेन इसको 5 के साथ करेंगे, 5 2 10 अगेन 5 5 25, फिर अगेन 5 के साथ 5 5 25 एंड 5 5। तो हमारे पास ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन गए। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 625, हमारे पास जो 625 के प्राइम फैक्टर्स बने हैं ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ पेयर है। देखें 1 2 3 4, यहां हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो मैंने क्या कहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ पेयर है। तो पेयर के फॉर्म में ये फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। अब यहां से ये बात क्लियर है कि ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इन द फॉर्म ऑफ पेयर फॉर्म में आ रही है। अब जब भी हमारे पास फैक्टराइजेशन पेयर के फॉर्म में आएगी तो याद रखिएगा बच्चों, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा। यही इसका मेथड है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर तो उसके पेयर बनते होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बनते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास हियर इज फैक्टर ऑफ 625 फॉर्म पेयर, सो 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारे पास ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इसमें अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आई हो तो इन्फॉर्म करें।